अभी हम अज्ञाव बाजार में मौजूद हैं। भोजपुर जिला के अज्ञाव बाजार है और कर्पूरी ठाकुर चर्चा चल रहा है। इसके पूर्व भी राजद के कार्यकर्ताओं द्वारा पूरे बिहार में प्रखंड लेवल पर बाबा साहब अम्बेडकर को लेकर के चर्चा चल रहा था। फिलहाल अभी जेडीयू के तरफ से कर्पूरी ठाकुर चर्चा चल रहा है, जिसको लेकर के यहाँ पर कार्यक्रम आयोजन किया गया है। और अभी हमारे साथ अज्ञाव विधानसभा क्षेत्र के पूर्व विधायक मौजूद हैं, जिनसे हम जानने का प्रयास करेंगे कि यहाँ पर जो कर्पूरी चर्चा किया गया क्या कुछ उद्देश्य था। सर, सबसे पहले हमारे चैनल में स्वागत है। चलिए, धन्यवाद। देखिए, सबसे समाज के वंचित समाज जो पंक्ति के बहुत निचले पदान पर हैं, उनको आगे बढ़ाना, उनका जीवन यापन में सुधार लाना, यही हम लोगों का कर्पूरी चर्चा के तहत बताना है कि कैसे इस समाज का सुधार होगा, कैसे उत्थान होगा। देखिए, जनता दल यू का ये कार्यक्रम हमेशा चलते रहता सालों भर चलते रहता है, और इसका उद्देश्य यही है कि 80% इन जो शोषित समाज, अति पिछड़ा समाज, दलित समाज जो हैं, इतना रहते हुए भी केवल इनका विकास पर कोई ध्यान नहीं देता है। और हमारे बिहार के माननीय मुख्यमंत्री जी इन सभी समाजों को उत्थान कैसे हो, दिन रात इसी पर काम करते रहते हैं। जब इनका विकास होगा तभी बिहार का विकास होगा। भारतीय जनता पार्टी की सरकार इतिहास को मिटाने पर तुली हुई है, और कारण ये है उनके जनसंघ के लोग कभी भी देश के लड़ाई में आगे नहीं लड़ रहे हैं। गरीब, गुरबे, अति पिछड़े, अल्पसंख्यक, इन लोगों ने, किसान, शिक्षित, बेरोजगार, नौजवान, युवकों ने इन आज़ादी की लड़ाई में हिस्सा लिया और उनके संस्थापक तो हिस्सा नहीं लिए। इसलिए चिढ़ कर बदले की भावना में आकर उन्होंने बहुत तेजी से इन नामकरण को हटाए बदलने का काम कर रहे हैं, बहुत तेजी से। उनका तो विकास से कोई लेना देना है नहीं। एक तरफ जहां विपक्षी पार्टियों द्वारा 2025 में से इसका जो 100 वर्ष पूरा हो रहा है, इसको लेकर के काला दिवस मनाने का क्या? यही बताएं, मैंने तो कहा चर्चा चल रहा है कि जैसे कि भारत का विकास तभी होगा जब गरीब, गुरबे, किसान, मजदूर, छात्र, नौजवान, महिला, इन लोगों का जब स्तर को ऊँचा उठाइएगा, इनका विकास कीजिएगा, तभी देश का विकास होगा। ना कि हम किसी के शहर का नाम बदल दें, किसी का नामकरण दूसरा चेंज कर दें, इससे विकास हो जाएगा? बेरोजगारी पर बात करना चाहिए। कितने भी किसान के बच्चे खेत बधार बेचकर जाकर पढ़ते हैं, उनको नौकरी नहीं मिलती है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने घोषणा किया था कि प्रतिवर्ष जब हम जीत कर आएंगे, प्रधानमंत्री बनेंगे, तो हर साल 2 करोड़ नौकरी देंगे। बताइए, आज जाकर पूछिए शिक्षित बेरोजगारों से क्या स्थिति है देश का, किसानों से पूछिए क्या स्थिति है, उनके खेतों में कौन पानी दे रहा है, कौन बिजली दे रहा है। जब बिहार का विशेष राज्य का दर्जा मिलता, ये बिहारी लोग, हम बिहार के बेटे भाई, किसान, मजदूर, सभी का उत्थान होता, पूरा बिहार का होता। जब बिहार का विकास होता तो पूरा देश का विकास होता। आप लोगों ने देखा होगा चुनाव के सभाओं में माननीय अमित शाह जी ने क्या कहा था, हर भारत देश के हर किसान, नौजवान, गरीब के भारतवासियों को खाता में 15-15 लाख रुपया देंगे। और उसके बाद खुद मीडिया के समक्ष वो स्वीकार करते हैं कि चुनावी जुमला था और कुछ नहीं था, और कहने का क्या रह गया? क्या लगता है कि ये गठबंधन वाली सरकार जब केंद्र में आती है तो बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिल पाएगा? देखिए, हम सभी बिहारियों की यही इच्छा है कि बिहार का विशेष राज्य का दर्जा मिले। देखिए, जब बिहार का विशेष राज्य का दर्जा मिल जाएगा तो यहाँ पर बहुत सी टैक्सें कम हो जाएंगी। हमारे जो हमारा हिस्सा का जाता है केंद्र सरकार में, जो रिटर्न होकर आता है, हमारा पूरा हमारा हिस्सा मिलता, और आज के तारीख में हमारा हिस्सा को भी काट लिया जाता है। और ये बताइए, बिहार में भी क्या रह गया है? बिहार में कोई कल कारखाना, खनिज संपदा झारखंड में चला गया है, बिहार कैसे विकास करेगा? उस पर बात होना चाहिए। उन लोगों तो केवल चुनावी जुमला से मतलब और कुछ है नहीं, केवल कहकर जाना है और कुछ पूरा करना नहीं है। यही रहे भारतीय जनता पार्टी की यही नीति पॉलिसी और कुछ नहीं। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, उन्होंने जो काम कहते हैं वो करते हैं, और वो अब उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने स्वीकार किया कि जो लोग केवल चुनावी जुमला बोलते हैं और कुछ नहीं, जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर, पार्टी के नाम पर लड़ाने का, उन्होंने वो सब वही करते हैं।
मैं एक बात और बताना चाहता हूँ, क्या भारत की स्वतंत्रता लड़ाई में क्या मुसलमान भाई नहीं थे, दलित भाई नहीं थे, हर जाति के लोग थे? तो कहाँ से जब आ जाता है, कहाँ से आ जाता है कि भाई मुसलमानों को दरकिनार कर दिया जाए, वो चले जाए? जीता जागता अब्दुल कलाम जो हमारे राष्ट्रपति रहे हैं, देखिए कितना परमाणु वैज्ञानिक रहे हैं, कितना उन्होंने काम किया सब। ये एक सिस्टम होता है भारत सरकार का विकास का, उसी सिस्टम को अपना भुनाने में लगे हुए हैं, और ये भोले भाले जनता को मूर्ख बनाने का लोग काम कर रहे हैं। आने वाले समय में जनता उनको कभी माफ़ नहीं करेगी।